बारिश के मौसम में आपने पकोड़े तो कई बार बनाकर खाए होंगे, लेकिन चावल से बना ये क्रिस्पी नाश्ता कभी नहीं बनाया होगा, तो एक बार इसे जरूर बनाएं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप चावल को 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। चावल बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। मैंने मोटे वाले चावल लिए हैं, आप चाहें तो बारीक चावलों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चावल को हम मिक्सी के जार में डालेंगे। मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, चावल को मिक्सी के जार में डाल लेंगे। सारे चावलों को मिक्सी के जार में डाल लेंगे। पूरे चावल को मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है। जार का ढक्कन लगाकर पेस्ट तैयार करेंगे। चावल को पीसकर पेस्ट तैयार कर लिया है। इस पेस्ट को बाउल में निकाल लेंगे। पूरे पेस्ट को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें मेजरिंग कप से आधा कप बेसन डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पहले सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे। सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और बैटर तैयार करेंगे। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। तो इस नाश्ते को आप बहुत ही फटाफट से तैयार कर सकते हैं और इस नाश्ते को बनाना बहुत आसान है। तो इस तरह से पानी डालकर मैंने बैटर तैयार कर लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, बैटर अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक कट किया है, आप चाहें तो इसे लंबा लंबा कट भी कर सकते हैं। अब ये मैंने 2 कच्चे आलू लिए हैं। कच्चे आलू को कद्दूकस कर पानी में रखा था, तो आलू के लच्छे काले नहीं पड़े हैं। इन्हें भी बाउल में डाल देंगे। इसी के साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको बैटर पतला लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है। फटाफट से इस नाश्ते को रेडी कर लेते हैं। तो चलते हैं गैस की ओर। अब गैस पर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रखा है, तो तेल भी मीडियम फ्लेम पर गर्म हो गया है। अब जो बैटर बनाकर रखा था उससे हम पकौड़े तैयार करेंगे। इस तरह से हाथों की हेल्प से पकौड़े को कढ़ाई में डालेंगे। जितने पकौड़े कढ़ाई में आ जाएंगे उतने डालेंगे। पकौड़ों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। इस तरह से पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो पकौड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। बचे हुए बैटर से इसी तरह से सारे पकौड़े तैयार कर लेंगे। तो गर्मा गर्म चावल से बने पकौड़े तैयार हैं। आप इसे मनपसंद चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी? रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों फैमिली के साथ इसे शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।